हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग काम करने वाले हैं स्वीट या महोगनी के ऊपर। ये ट्री को मैंने सीड से ग्रो किया था ऑलमोस्ट 2 साल पहले, एंड आज हम लोग इसको रिपोर्टिंग करेंगे, अच्छे सॉइल में लगेंगे इसको। सो रिपोर्टिंग ऑफ इंडियन महोगनी कमिंग अप ऑन थ्रिलर वन साइड। चलिए दोस्तों, काम स्टार्ट करते हैं महोगनी टी ट्री के ऊपर। इसमें बहुत ज्यादा लीव्स उसके गिर गए थे, सो वो पहले रिमूव कर देते हैं और डेब्रिस है इसमें। एंड धीरे धीरे अभी जो पुराना सॉइल है वो निकालना हम लोग स्टार्ट करते हैं। Sure, इसको बोनसाई पॉट में रखना चाहिए कि नहीं, बिकॉज ये अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है। इसके रूट्स भी इतने कुछ रेडियल रूट्स बहुत स्ट्रांग हुए नहीं अभी तक कि आई शुड कीप इट इन बोनसाई पॉट। आई थिंक सी दैट को पहले थ्रो कर देते हैं। चलिए इसके रूट्स को थोड़ा देखते हैं, स्टडी करते हैं कैसे। नॉट दैट बैड, नॉट वेरी गुड इधर। ये है जो काफी लंबा ग्रो हो रहा है, सो अपने को इवन रखने हैं सारे रूट्स। एक लंबा एक छोटा ऐसा अपने को नहीं रखना है। सो हम लोग क्या करेंगे, जो बहुत ज्यादा लंबे हो गए रूट्स उनको थोड़ा सा कट कर सकते हैं, जैसे कि ये रूट है बहुत ज्यादा लंबा दिख रहा है, सो उसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं। प्रूनर्स है, कट कर रूट्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक नहीं दिख रहे, दे आर लुकिंग वाइट एंड स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा डेंसिटी नहीं है रूट्स की, सो माई मेन टारगेट इज़ टू हैव अ गुड डेंसिटी ऑफ रूट्स। इसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है मेरे पास, टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द रूट्स, ताकि ऊपर का फॉलेज भी अच्छा आएगा। सो उसके लिए वी नीड टू पॉट इट इन अ प्रॉपर सॉइल कि एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ द डे वो ड्राई होना चाहिए एंड फंगस नहीं लगना चाहिए रूट्स पे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको भी थोड़ा वॉश करते हैं, रूट्स सब वॉश हो रहे हैं, ताकि इसमें कुछ फंगस वगैरह रहेगा तो वो निकल जाएगा, क्लीन हो जाएंगे सब एंड अब्सॉर्प्शन उसका बढ़ेगा। अपने रूट्स वॉश, उस पे अभी और कुछ काम करना है क्या वो देखेंगे। सो आई थिंक आई शुड बी पॉटिंग इट इन अ डीप पॉट, बिकॉज इसके अभी तक इतने डेंस रूट्स बने नहीं कि उसको बोनसाई पॉट में लगाया जा सकता है, दैट्स व्हाट आई फील। सो मुझे लगता है इसको चांस देना चाहिए।
या फिर हम लोग बोनसाई पॉट में ही लगा सकते हैं। ओके सो जैसा था वैसे ही रख सकते हैं हम लोग, बिकॉज साइड में जो रूट्स आ रहे हैं वो आई थिंक ग्रो हो जाएंगे इफ आई कीप इट इन बोनसाई पॉट, साइड से ग्रो होंगे वो। तो ये टैप रूट तो लास्ट टाइम हम लोग ने आई थिंक कट किया था, सो इसीलिए इट विल नॉट ग्रो फ्रॉम टू द बॉटम। सो ये साइडवेज ही ग्रो होगा अगर हम लोग प्रॉपर बोनसाई सॉइल में एंड बोनसाई पॉट में उसको लगाएंगे तो भी प्रॉपर ग्रो होगा। रूट में ये रूट मुझे डेड लग रहा है, यस इट इज डेड, सो देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग दिस डेड रूट, इसको हम लोग रिमूव करना पड़ेगा। सो डेड रूट जो है रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जो हेल्दी रूट्स है वो हम लोग रखेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। इसको उसी पॉट में लगाते हैं फिर से, यूज द सेम पॉट, होल्स चेक करूंगा उसमें, होल्स है कि नहीं बराबर से, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। होल्स तो है, अगर होल्स नहीं होंगे तो यू डेफिनेटली हैव टू मेक देम, एंड काफी बड़े भी होने चाहिए वो। एंड सम स्ट्रेंज थिंग आई ऑब्जर्व इज दैट जब भी मैं पानी डालता हूँ ना रेगुलर वाटरिंग से, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 or 2 years ना कुछ तो ये मटेरियल जो है ना ये डिपॉजिट होता है। I don't know what that material is, but it gets deposited at the holes. ये मेरा fertilizer, excess fertilizer है कि क्या है? I don't know what is that exactly. So this is something which I really want to find out what is that material. वो बीच में बहुत ज़्यादा आ जाता है नीचे, and उसकी वजह से क्या होता है ना, holes जो है वो block होने लगते हैं। So I'm just going to increase the size of the holes again. Just going to ensure कि drainage बहुत अच्छा होना चाहिए. So ये common गलती लोग करते हैं कि drainage proper नहीं रहता है, and उसकी वजह से भी root rot होता है नीचे. So that we don't want to happen. So इसलिए हम लोग होल्स को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं एंड क्लीन भी कर रहे थोड़ा, बिकॉज इसी पॉट में हम लोग वापस लगाने वाले हैं। That's my idea. Should be good. So इसी पॉट में हम लोग वापस लेंगे एक नई सॉइल, न्यू सॉइल विच आई एम हैविंग। पहले सॉइल डालते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 35-40% ऑर्गेनिक मैटर है एंड बाकी सब ऑलमोस्ट मोर देन 50% इज गोइंग टू बी इनऑर्गेनिक। पे हम लोग इसको रखेंगे, सो इसके रेडियल रूट्स जो भी अच्छे से बनेंगे ना उसके ऊपर के शूट्स भी नेचुरली अच्छे आने लगेंगे। ऐसे रखता हूँ इसको, आई चूज दिस एज द फ्रंट ऑफ द ट्री, देख सकते हो दिस लुकिंग राइट नाउ, ये हो गया पूरा ट्री ऊपर ऊपर की तरफ लुकिंग लाइक दिस। So, इसको थोड़ा फ्लैट आउट कर देता हूँ मैं, ये भी रूट थोड़ा ज्यादा लंबा दिख रहा है, सो एंड में थोड़ा सा कट कर सकते हैं ये भी। तो क्या होता है ना कि जब भी हम लोग रूट कट करते हैं ना तभी ज्यादा ग्रोथ आता है, सो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू कट द रूट्स। थोड़ा सा फ्लेयर आउट करना है, ऐसे फ्लेयर आउट होने चाहिए रूट्स, सेकंड की पिटिस पे एंड सॉइल है वो फिल करना चालू कर सकते हैं। शायद ऊपर से भी थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा इसको, काफी बड़ा हो रहा है, टॉल हो रहा है, ये टॉल नहीं होना चाहिए अपने को, ब्रांचेस साइडवेज चाहिए।
सेंटर में है कि नहीं, डेफिनेटली इसको थोड़ा साइड में लाना है, सेंटर वांटेड टू बी इन द सेंटर, सेंटर में लाना पड़ेगा। जो है उसको रूट के अंदर डालना है अपने को, सेम थिंग डालूंगा इसमें, मैं यूज करूंगा फोर्क, सॉरी फोर्सेप्स, डू द सेम थिंग। सॉइल जो है वो अंदर जानी चाहिए, हर एक रूट के साथ कांटेक्ट में आनी चाहिए। थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद आई थिंक वी कैन कट फ्रॉम द टॉप, लेट्स सी कि नए ग्रोथ्स कैसे आते हैं आफ्टर रिपोर्टिंग। अगर ये सक्सेसफुल रिपोर्टिंग होगा तो नेक्स्ट 2 वीक्स में उसको नई ग्रोथ आनी चाहिए, आई मीन ऑन द लीव्स। पहले जैसा स्ट्रॉ सो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के हमारे अपडेट की तरफ। आज के अपडेट में है ये ब्यूटीफुल ट्री ऑफ हेवन, जिसको हम लोग ने लास्ट टाइम प्रून किया था, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे प्रून किया था उसको, एंड नए ब्रांचेस उसको आने लगे हैं बहुत सारे, एंड इजंट इट लुकिंग जस्ट अमेजिंग, ट्री ऑफ हेवन। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू थ्रिलर बोनसाई। वरुण दीक्षित हियर, बाय बाय।